गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा देखिए, कल हम लोगों ने जो हमारा लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोगों ने पॉलन ग्रेन को स्टार्ट कर लिया था। और पॉलन ग्रेन को स्टार्ट करने के बाद में उसमें हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा देखे थे हम लोग। यानी पॉलन ग्रेन के दो लेयर, यानी पॉलन ग्रेन का जो सेल वॉल है वो दो लेयर में है, एक है एग्जाइन और दूसरा पार्ट है एंटाइन। पॉलन ग्रेन का पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट है, अब बस उसमें से कुछ थोड़े से पॉइंट हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट जो है उससे रिलेटेड वो देख लेंगे। आपको मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है, या कुछ लोग मॉड्यूल भी लेके गए हैं उनमें भी एमसीक्यू है, तो उसी मॉड्यूल के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। उसके बाद तब हम लोग आगे फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कल की अगर बात करें तो कल हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखे, कल क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, उसको अगर फटाफट यहाँ पर एक बार अगर रिवीजन मारेंगे आप, तो मैंने आपको कल बताया था कि ये क्या होता है, यानी माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। तो जो आप देखो कि जो एस्पोरोजिनस सेल हैं, यही एस्पोरोजिनस सेल क्या करते हैं, डिवाइड करके इंक्रीज करते हैं किसको, अपने नंबर को। और जब एस्पोरोजिनस सेल का नंबर बढ़ता है तो एस्पोरोजिनस सेल जो है वह कन्वर्ट होता है पॉलेन मदर सेल में, और पॉलेन मदर सेल मियोसिस करता है तब ये, यानी एक पॉलेन मदर सेल में अगर मियोसिस होगा तो वो चार सेल बनाएंगे, यानी फोर सेल बनेंगे, और इसी का नाम था टेट्राड। और ये टेट्राड एक दूसरे से सेपरेट होंगे तब यही जो है ये कहलाएगा क्या, दिस इज द पॉलेन ग्रेन। अब ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलेन ग्रेन। और पॉलेन ग्रेन क्या, अगर किसी एक पॉलेन ग्रेन की स्टडी हम लोग करते हैं तो हमने आपको बताया था कल कि पॉलेन ग्रेन के ऊपर ये दो अलग अलग लेयर होते हैं, यानी सेल वॉल है। ओके, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होता है इसको कहते हैं एग्जाइन, और ये इनर लेयर जो होता है इसको कहते हैं हम लोग एंटाइन। एग्जाइन जो होता है वह बना होता है एक मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका नाम है एस्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन जो है वह बना होता है सेलुलोज का। इंटाइन जो है वह किसका बना हुआ है, तो वह है सेलुलोज का। एस्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेसिस्टेंस कंपाउंड है, और यहाँ पर बीच में जहाँ पर एस्पोरोपोलेनिन नहीं है, ये लेयर नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग जर्म पोर। अब जर्म पोर क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन वहाँ से सेल को निकलना होगा, जेनरेटिव सेल को, तो वहाँ पे जो गैप है जिसे जर्म पोर कहते हैं वहीं से वह निकल के बाहर आता है। अब जब आप देखो कि जब एक हम लोग देखते हैं स्पोरोपोलेनिन, ये सॉरी एक पॉलन ग्रेन को, तो एक पॉलन ग्रेन डिवाइड करता है माइटोसिस करके, ये बन जाता है दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेल को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल, और दूसरा जो सेल होता है उसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। और ये जो डिवीजन होता है माइटोसिस का, ये अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बनता है वो एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। अब स्पिंडल फाइबर सिमेट्रिक एसिमेट्रिक ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर नाउ इन द क्लास 12th। अब आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए, फिर भी लेकिन चलिए मैं बताते चलता हूँ। दो सेल बन गए यहाँ पर, और जब दोनों सेल बनेंगे तो यही जो जेनरेटिव सेल हैं, ये जेनरेटिव सेल को अगर फर्टिलाइजेशन के समय यहाँ से बाहर आना है तो ये जो गैप होगा जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं, ये यहीं से रिलीज होता है। समझ में आ गई बात, तो अभी डिस्कस भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक ये बातें रिवीजन के तौर पे आपने देखा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें जो हैं अभी बाकी हैं हम लोगों को। अभी हम लोग देखेंगे पॉलन एलर्जी, जिसे पॉलन एलर्जेंस कहते हैं, यानी कुछ पॉलन ग्रेन एज एलर्जी के रूप में काम करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स में एलर्जी काउज करते हैं तो उसको कहते हैं पॉलन एलर्जेंस, और उससे होने वाले एलर्जी को कहते हैं हम लोग पॉलन एलर्जी।
उसके बाद में हम लोग देखेंगे पॉलन न्यूट्रिशन के रूप में पॉलन ग्रेन्स का यूज करते हैं, जैसे पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप यूरोपियन कंट्री में खास करके, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है, एक नेचुरल सोर्स है न्यूट्रिशन का, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सोर्स होते हैं, तो उनका टैबलेट और सिरप बना करके लोग यूज करते हैं उसको। तो ये हो गया पॉलन का एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। फिर होता है पॉलन ग्रेन का स्टोरेज, तो पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग पॉलन बैंक, जिसे -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग स्टोर करने का काम करते हैं, तो वो हो जाता है पॉलन बैंक। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी, देखो पॉलन एलर्जी की जब बात करते हैं तो कुछ जैसे सोरघम का प्लांट, पार्थेनियम जो है वो एक कैरेट ग्रास है, जो हमारे इंडिया में जब हम लोग अमेरिका से, कनाडा से, खास करके अमेरिका से हमारे पास गेहूं की कमी थी, तो हमने अमेरिका से गेहूं को इंपोर्ट किया, वीट को उसने क्या किया कि उस वीट में पार्थेनियम को मिक्स करके हमारे यहाँ भेज दिया, और जब हम लोगों ने उस गेहूं से थोड़ा सा एग्रीकल्चर किया तो वीट प्लांट के साथ साथ पार्थेनियम ग्रास भी आ गया, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्टिविटी को घटाता है। तो ये जो पार्थेनियम ग्रास है वो हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है, वो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट होकर के आ गया है। तो दिस इज द, ये क्या है, तो ये एक पार्थेनियम जो है उससे भी एलर्जी होती है, तो वो एक इम्पोर्टेड ग्रास है, हमारे यहाँ का नहीं है। ओके, तो चलिए ये सब कुछ बातें हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे पार्थेनियम पॉलन एलर्जी को। Some plant cause pollen grain of some plant cause allergy. So pollen grain of some plant cause allergy called pollen allergens. और इसका एग्जाम्पल है जैसे पॉलन एलर्जेंस सिनोपोडियम, ओके हाँ बंद कर दो। तो ये एग्जांपल के रूप में जैसे सिनोपोडियम, पार्थेनियम, एमरेंथ सोरगम, एमरेंथस, इटीसी, ये सब जो प्लांट हैं इनके पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जी काउज करते हैं। तो वैसे पॉलन ग्रेन जो एलर्जी काउज करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग पॉलन एलर्जेंस। अब इसमें देखो कि जो पार्थेनियम का जो ग्रास है, पार्थेनियम ग्रास को हम लोग कहते हैं कैरोट ग्रास, पार्थेनियम इसी को कहते हैं हम लोग कैरोट ग्रास, कम इन इंडिया थ्रू इम्पोर्टेड वीट। तो जब गेहूं की यानी वीट की इम्पोर्टेड हुआ था वीट, तो उसके साथ में वो उन लोगों ने मिक्स करके इसको भेज दिया ताकि हमारी वीट की प्रोडक्टिविटी हमेशा कम रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में अगर ये आएगा तो वीट की प्रोडक्टिविटी कम होगी।
और विट की अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हम उन पे डिपेंडेंट रहेंगे और हमेशा उनसे माल खरीदते रहेंगे। इस वजह से उन्होंने ये काम किया कि इसको मिक्स करके जो है वो वीट के साथ में इस कैरेट ग्रास को हमें दे दिया। तो ये जो बातें हैं वो इसके लिए ठीक है। अब आइए चलते हैं, तो ये पॉलन एलर्जेंस जो है वह इससे रिलेटेड बातें हो गई। तो कैरेट ग्रास इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पूछते रहता है, तो कैरेट ग्रास जो है वह ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो पॉलन ट्यूब एंड पॉलन सिरप ठीक है, और सिरप पॉलन सिरप ये क्या है, इसमें बेटा ना पॉलन सिरप, पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप में तो पॉलन ग्रेन आप जानते हो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट इन विच हैव कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड। सो दिस इज यूज्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। सो दिस इज यूज्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन यूरोपियन कंट्री एज पॉलन टैबलेट और सिरप। तो पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप के रूप में इसको वाइडली यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के। तो इसी को कहते हैं हम लोग पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप। अब देखो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन ठीक है एंथर से चला तो एस्टिग्मा पे लैंड होने तक, यानी उस पीरियड एस्टिग्मा के जाने तक कितने समय के बाद तक वो जर्मिनेशन कर सकता है, वो बीज का जो पीरियड है वह कहलाता है उसका पॉलन वायबिलिटी। किसी किसी प्लांट का पॉलन वायबिलिटी 30 मिनट होता है और किसी का सेवरल डेज में होता है, यानी कि जब स्टिग्मा पे जाएगा तो 30 मिनट के बाद वो जर्मिनेशन कर देगा ठीक है, और कोई कोई जो है वह कुछ लंबे समय के दिन के बाद भी वो जर्मिनेशन कर सकता है। तो ये जो पीरियड है अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन्स का, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलन वायबिलिटी। The period between the period between पॉलिनेशन टू, जब पॉलिनेशन से वो पहुंचा, पॉलिनेशन टू लैंडिंग ऑन एस्टिग्मा फॉर जर्मिनेशन इज
फॉलन वायबिलिटी. सम प्लांट लूज जर्मिनेशन विद इन 30 मिनट. तो कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन 30 मिनट के अंदर वायबिलिटी को लूज करते हैं. एग्जाम्पल में वीट, राइस एंड सम आर फॉर सेवरल ईयर्स, और कुछ जो है वो कुछ ईयर नहीं सेवरल डेज, और कुछ जो है वो कुछ समय के लिए यानी दिन के लिए. तो वो जो मंथ होता है या समय होता है तो उसमें वो अपनी वायबिलिटी को लूज करते हैं. तो ये जो, तो जैसे उसके एग्जांपल लेगुमिनस प्लांट है, सोलानेसी है, वो सारे जो फैमिली है वो, तो जैसे हाँ रोजेसी भी है, रोजेसी लेगुमिनस पहले, लेगुमिनेसी, सोलानेसी, रोजेसी, रोज वाले सब फैमिली ये सब. तो इनकी वायबिलिटी सेवरल डेज तक हो जाती है या मंथ तक होती है. सेवरल डेज ऑब्लिक मंथ भी कर सकते हैं, ठीक है, सेवरल डेज और मंथ के लिए. अब आइए पॉलन बैंक. पॉलन बैंक का क्या होता है? पॉलन बैंक का मतलब कि लिक्विड नाइट्रोजन पे जब हम लोग पॉलन ग्रेन को -190°C टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं अपने किसी रिसर्च में यूज के लिए या किसी प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए, तो दिस इज द, तो जिस बैंक में इसको स्टोर करते हैं डैट इज द पॉलन बैंक. ब्लड बैंक में क्या करते हैं? ब्लड को स्टोर करते हैं. उसी तरह पॉलिन को हम लोग स्टोर करते हैं. तो कहाँ? तो लिक्विड नाइट्रोजन में है एट -196° टेम्परेचर. तो पॉलन ग्रेन आर स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196°C टेम्परेचर इन पॉलन बैंक फॉर वेरियस रिसर्च एंड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. तो या तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए या वेरियस रिसर्च के लिए, ये सारे चीजों के लिए जो उसको हम लोग ये स्टोर करते हैं डैट इज द पॉलन बैंक. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द पॉलन बैंक. अब ये देखो कि जो पॉलन बैंक में हम लोग इसको स्टोर करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी कभी मान लिया कि उसकी जो सीड है वो ख़राब हो गई और हमें उसका एग्रीकल्चर करना या क्रॉस पॉलिनेशन कराना है अपने रिसर्च के लिए, तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या सोर्स बचेगा? तो वैसे जो हम लोग ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलन बैंक से लेंगे और उसको क्रॉस पॉलिनेशन करा के प्लांट को डेवलप करा देंगे. ओके, अब आइए एक हेडिंग देते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ गैमेटो
ओवोफाइट। तो मेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, बेसिक जो बातें हैं वो मैंने आपको बताया है। अब हेडिंग के अंदर में ये बातें जो है वो थोड़ा रिवीजन करते हुए उन्हीं को और डिटेल में हम लोग चलेंगे। एक बेसिक आप जानते हो, पॉलन ग्रेन कहाँ बना, पॉलन सैक में, ठीक। और पॉलन ग्रेन जब पॉलन सैक में बना तो वो पॉलन ग्रेन फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन करके टू सेल स्टेज में आता है, यानी एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल बनते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ डैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। कुछ प्लांट जो 60% प्लांट होते हैं वो टू सेल्ड स्टेज में होते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज में। तो 60% जो होता है वो टू सेल्ड स्टेज और रिमेनिंग 40% जो होते हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज में। ये क्या होता है टू सेल्ड स्टेज, क्या होता है थ्री सेल्ड स्टेज, ये जो बातें हैं वो थोड़ा हम लोग देखेंगे, ओके। तो आप जानते हो, एक डायग्राम लेते हैं, देखिए यह एक पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन का ये न्यूक्लियस वैक्यूल पार्ट हो गया और आप जानते हो पॉलन ग्रेन है तो इसमें ये दो लेयर भी होंगे, एक एग्जाइन और दूसरा इंटाइन लेयर। बीच का जो गैप वाला रीजन है डैट इज द जर्म पोर। अब आप ये जानते हो केमिकल कंपोनेंट के हिसाब से क्या होता है। अब इसमें जो है ये जो सेल है जिसे हम लोग कह रहे हैं पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो अनइक्वल, माइटोटिक डिवीजन जो होगा वो अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, क्योंकि दो अलग अलग साइज के सेल बनने हैं इसमें, ठीक है। कैसे तो देखिए, अब ये जो सेल होगा ये जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे वो एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनाएगा। तो यहां पर ये देखो, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस तरह से रह जाएगा वैक्यूल और एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना। अगर सिमेट्रिकल स्पिंडल बनते हैं तब टू सिमेट्रिकल सेल बनते हैं, लेकिन जब एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना तो टू अनइक्वल सेल, यानी साइज में अलग अलग। तो अब क्या होगा, तो ये जो सेल है अब ये डिवीजन करके टू अनइक्वल सेल बन जाएगा। तो ये जो एक सेल बना ये हो गया आपका, और यहां पर ये जो सेल बना दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द जेनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल हुआ और ये जेनरेटिव सेल हुआ।
जेनरेटिव सेल जो होता है वह डिस्क शेप का होगा जिसके स्मॉल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, डिस्क शेप, स्मॉल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होगा? क्योंकि साइज इसकी छोटी है। वेजिटेटिव सेल जो होगा इसमें लार्ज न्यूक्लियस होगा एंड मोर साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, ओके। जो जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल होगा यह भी हैप्लोइड और जेनरेटिव सेल भी हैप्लोइड। अगर आपसे पूछे हम पॉलन ग्रेन का हैप्लोइडी कैसा होगा, पॉलन ग्रेन का हैप्लोइडी, तो अगर दो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक है, दो न्यूक्लियस है, यह भी एक पॉलन ग्रेन है, यह पॉलन ग्रेन का टू सेल स्टेज है, तो अगर आप इसको कहीं पर डिप्लॉयड भी कह सकता है, तो डिप्लॉयड क्यों? क्योंकि यहां पर दो न्यूक्लियस हैं, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिप्लॉयड। और अगर आप ऐसे चले कि दो अलग अलग सेल हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्लॉयड। तो जनरली जो है कहीं मॉड्यूल वगैरह में आपको मिल सकता है कि ये पॉलन ग्रेन डिप्लॉयड है, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चले कि दो सेल हैं, तो क्योंकि ये भी हैप्लॉयड ये हैप्लॉयड, दो हैप्लॉयड आपस में अगर एक जगह है तो वो क्या कहलाते हैं? डिप्लॉयड। लेकिन एक्चुअल में क्या बात होनी चाहिए कि ये हैप्लॉयड होना चाहिए, पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अलग अलग हैं। प्लॉयडी का सेंस अगर हम डिप्लॉयड कहते हैं कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, यानी दोनों को एक ही न्यूक्लियस में टू सेट होना चाहिए। हाँ, अलग बात है कि हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, लेकिन दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैप्लॉयड होना चाहिए। तो आपको दोनों मिल सकता है, लेकिन अगर वैसा क्वेश्चन अगर आया, अब आप सोचेंगे सर क्वेश्चन आए तो क्या लेकर के चलेंगे, तो चूंकि ये मेल गैमेटोफाइट है तो इसलिए हैप्लॉयड लेकर चलेंगे, ओके। और वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल तो कंप्लीट हैप्लॉयड होगा, तो इसमें डेंस साइट ये लार्ज न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा ही इसमें, मोर साइटोप्लाज्म, और ये कैसा होगा? तो ये लार्ज सेल होगा, तो ये सेल जो हो जाएगा वह लार्ज सेल होगा। कौन? वेजिटेटिव सेल। और इसीलिए हमने आपको बताया है कि जेनरेटिव सेल फ्लोट इनटू द वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल फ्लोट इनटू वेजिटेटिव सेल। अब देखो अबाउट 60% पॉलन ग्रेन आर टू सेल स्टेज। तो टू सेल स्टेज का मतलब क्या होगा? वन वेजिटेटिव सेल एंड वन जेनरेटिव सेल, ओके। एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। तो अबाउट 60% पॉलन ग्रेन्स आर टू सेल स्टेज। उसके बाद की बातें हैं लगभग रिमेनिंग, यानी कि जो 40% हुआ, रिमेनिंग एंजियोस्पर्म आर थ्री सेल स्टेज। तो ये थ्री सेल स्टेज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? थ्री सेल स्टेज का मतलब हो जाएगा वन वेजिटेटिव सेल एंड टू जेनरेटिव सेल। अब ऐसा क्यों? टू जेनरेटिव सेल, तो जब फर्टिलाइजेशन के समय में वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? ये ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए वेजिटेटिव सेल को हम लोग कहते हैं, और ट्यूब सेल, ये भी याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, क्योंकि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराता है।
और जेनरेटिव सेल जो है वो मेन रूप से फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर आया है हमारे पास, ये कब की बात है, तो प्री पॉलिनेशन स्टेज, और जो थ्री सेल स्टेज है वो पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज। अब आइए देखिए, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये सेल, ये क्या करता है, ये जो इस तरह से है हमारा, और ये जो तो कुछ प्लांट क्या करते हैं, थ्री सेल स्टेज में रहते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी बिफोर पॉलिनेशन, और कुछ प्लांट पॉलिनेशन के बाद में आते हैं थ्री सेल स्टेज में। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट मैंने लिख दिया है कि 60% टू सेल स्टेज में और 40% रिमेनिंग जो है वो थ्री सेल स्टेज में। कभी भी ये बात ध्यान रखिए, थ्री सेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव दो जेनरेटिव, और टू सेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर ये जो प्लांट है ये क्या करेगा, वह इस तरह से यानी फिर से माइटोटिक डिवीजन इन जेनरेटिव सेल। तो माइटोटिक डिवीजन करेगा कब, जेनरेटिव सेल में जब पॉलिनेशन हुआ है तब। तो यहाँ पर यह पॉलिनेशन के टाइम समय में और ये इस तरह से दो जेनरेटिव सेल बन गए, टू जेनरेटिव सेल। तो यहां पर ये क्या हो गया, दिस इज द थ्री सेल स्टेज, और ये जो डायग्राम आया दिस इज द पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज। ये प्री पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के पहले में, ये पॉलिनेशन के बाद का है, यानी जब पॉलिनेशन हो गया तो ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पर जो मेन जेनरेटिव सेल हुआ, दिस इज द एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट। हमने आपको पॉलन ग्रेन में लिखाया होगा दिस इज द पार्शियल मेल गैमेट, मॉड्यूल वगैरह या कुछ बुक लिख देते हैं मेल गैमेटोफाइट, बट पॉलन ग्रेन डायरेक्ट जो है वो पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन में जा रहा है क्या, नहीं। तो पॉलन ग्रेन में भी दो सेल बनते हैं, दो सेल में एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव, और वेजिटेटिव सेल फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन कौन करता है, तो जेनरेटिव सेल करता है, और इसीलिए जेनरेटिव सेल इज द मेन मेल गैमेटोफाइट। ये पार्शियल नहीं होगा, ये कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट होगा, जबकि यहां पर पॉलन ग्रेन की हम लोग बात किए थे, तो पॉलन ग्रेन में हमने आपको बताया कि इट इज द पार्शियल मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, अब चलिए, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब कहां बनता है, तो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब ये जो बात बना, तो यहां पर ये जो है दिस इज द पॉलन ट्यूब, और ये जो पॉलन ट्यूब होता है, सबसे लंबा पॉलन ट्यूब किस प्लांट में बनता है, तो जिया मेज एक प्लांट है जिसमें लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब बनती है। लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किसका है, जिया मेज में।
ये जो पॉलन ट्यूब की जो स्टडी हो रही है, वो पॉलन ट्यूब की बताया किसने? पॉलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाई जी बी एम सी। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया पॉलन ट्यूब के बारे में। अब देखो यहाँ तक ये जो बातें हैं, ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन का कंप्लीट। अब आइए पॉलन ग्रेन से रिलेटेड ये सारा बात, डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या है, तो ये सारी बातें जो हैं वो चला हम लोगों का। अब आपको जो पीडीएफ मॉड्यूल मैंने दिया है, ठीक है, उसमें आपको इसी चीज़ को जो है वह फ्लो चार्ट में पूरा दिखाया हुआ है। आपके पास पीडीएफ भेजा है मैंने, उसके भी फ्लो चार्ट में वो चीज़ दिया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सभी मॉड्यूल में नहीं मिलते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया है। वो फ्लो चार्ट आपको मैं एक बार फिर से देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको, जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा तो शायद उनका अपने मॉड्यूल के ऊपर या वो पार्ट पर ध्यान जाएगा, नहीं तो क्या है कि जनरली पीडीएफ वगैरह उसी तरह मोबाइल में ही रहता है ना। देखिए सबसे पहले क्या था, प्लांट का मेल पार्ट एंड्रोसियम। तो आइए यहां पर क्या है, फ्लावर, फ्लावर में क्या है, एंड्रोसियम, मेल गैमेट ऑफ मेल पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंड्रोसियम। फिर बेटा एंड्रोसियम के अंदर क्या है, तो एंड्रोसियम के अंदर है एस्टामिन्स। एंड्रोसियम और एंड्रोसियम में क्या होते हैं, बहुत सारे एस्टामिन। एस्टामिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो एस्पोरोफिल। एस्टामिन इज द माइक्रो एस्पोरोफिल, ठीक है, या ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। और ये कैसा होगा, तो ये डिप्लॉयड है, अभी तक डिप्लॉयड प्लांट है तो सारे ऑर्गन क्या होंगे, सारे पार्ट क्या होंगे, डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप जानते हो एस्टामिन, तो एस्टामिन के दो पार्ट, एक हो गया फिलामेंट और दूसरा पार्ट एंथर, है ना, एस्टाम फिलामेंट एंड एंथर, या भी टू एंड। कभी भी याद रखो, कोई भी प्लांट बॉडी हो, कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट हो, जब तक मियोसिस किसी सेल में नहीं हुआ, वो डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा। हैप्लॉयड सेल में मियोसिस होता नहीं है, मियोसिस जब भी होगा तो किसमें, डिप्लॉयड सेल में। ऑलरेडी अगर कोई चीज़ हैप्लॉयड है तो उसमें मियोसिस की जरूरत ही नहीं है, वहाँ मियोसिस होगा ही नहीं, ठीक। अब एंथर है, तो एंथर में क्या होते हैं, एक एंथर में 4 माइक्रो एस्पोरेंजियम। माइक्रो एस्पोरेंजियम कहाँ है, तो यानी वही पार्ट जो है, यानी वह पॉलेन सेट, तो ये भी क्या होगा, 2N होगा। और एक माइक्रो एस्पोरेंजियम, इस माइक्रो एस्पोरेंजियम में क्या क्या है, तो माइक्रो एस्पोरेंजियम में आप जानते हो कि दो पार्ट हैं, तो माइक्रो एस्पोरेंजियम या माइक्रो एस्पोरेंजियम में जो आर्की एस्पोरियल सेल हैं, माइक्रो एस्पोरेंजियम कैसे बना है, तो आर्की एस्पोरियल सेल, इसका आर्की एस्पोरियल सेल दो चीज बनाता है, एक है आउटर पेराइटल और दूसरा है इनर एस्पोरोजिनस टिश्यू, इनर एस्पोरोजिनस टिश्यू। ये आउटर पेराइटल सेल या टिश्यू, ये काम क्या करेगा, तो ये बनाएगा आउटर पेराइटल, ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा माइक्रो
एस्पोरेंजियल वॉल को। माइक्रोएस्पोरेंजियल वॉल में कौन कौन से आते हैं? तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में एंडोथेसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर, और उसके बाद में टैपेटम। टैपेटम आपको पता है बेटा दो तरह के, कौन कौन? एक सिक्रेटरी टैपेटम और दूसरा एमीबॉयड टैपेटम। दो तरह के टैपेटम भी आपको मैंने यहाँ पर कर लिया, ओके। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियल, यहाँ पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं और एपिडर्मिस, आप जान जाओ कि ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर बनते हैं टेंजेंशियल वॉल से या ये पेराइटल सेल से, या फिर पेराइटल सेल से। एपिडर्मिस नहीं बनता है, बार बार बता रहा हूं मैं। एपिडर्मिस कॉमन फॉर द ऑल माइक्रो एस्पोरेंजियम, चारों पॉलन सैक को कवर करने का कॉमन जो लेयर होता है वह है एपिडर्मिस, और ये बाकी तीन सेपरेट सेपरेट होते हैं बेटा। डायग्राम के बेसिस पर कंफ्यूज नहीं होना, बस जो बता रहे हैं उसको याद रखिए। अब एस्पोरोजिनस टिश्यू, एस्पोरोजिनस टिश्यू ये क्या करते हैं अपना, पहले डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करके क्या करेंगे, ये इंक्रीज देयर नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे। देन एस्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होंगे पॉलेन मदर सेल में, पॉलेन मदर सेल में। कौन? इंक्रीज देयर नंबर, कन्वर्ट इनटू पॉलेन मदर सेल। यहां लिख दिया फॉर्म्स, तो फॉर्म्स में क्या बनाया, पॉलेन मदर सेल्स में। तो इसी को हम लोग पीएमसी कहते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही पीएमसी जो है वो जाएगा मियोसिस में, किसमें बेटा, मियोसिस करेगा। तो ये क्या बना देगा, पहले ये बनाएगा टेट्राड, और टेट्राड फिर जो है वो क्या करेगा, मैं ऊपर लिखता हूं, टेट्राड जो है वो सेपरेट होंगे, सेपरेट टू ईच अदर। तो टेट्राड जब सेपरेट होगा एक दूसरे से, तब ये क्या बन जाएगा, टेट्राड के सेपरेट होने के बाद में, टेट्राड अगर सेपरेट होता है तब ये बनता है जा करके, क्या चीज में बनेगा, टेट्राड जब सेपरेट होगा तब ये बन जाएगा पॉलेन ग्रेन। अब आइए, सबका अगर आप प्लॉइडी लिखेंगे, ये सारा पार्ट जो है वह एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, ये सब डिप्लॉयड है, पेराइटल सेल भी डिप्लॉयड है, एस्पोरोजिनस टिश्यू भी डिप्लॉयड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेट्राड बना, टेट्राड से पॉलेन ग्रेन बना, तो अगर वैसे चलेंगे तो कहीं कहीं आपको दे देगा डिप्लॉयड, और नहीं तो फिर हैप्लॉयड। और पॉलेन ग्रेन में दो सेल हैं, पॉलेन ग्रेन में दो सेल हैं, ठीक है। पॉलेन ग्रेन या तो टू सेल स्टेज, कौन कौन, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा बेटा जेनरेटिव सेल। और दोनों कैसे, इनकी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, तो इन दोनों की प्लॉइडी क्या होगी, एन और ए, ये एच और एच हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, यानी सिंगल एन, ओके। तो ये पॉलन ग्रेन को या तो 2n कर सकता है कहीं पर, या तो n कर सकता है। डिप्लॉयड लिखने का मतलब, चलो इसको 2n से रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना, सब जगह 2n है, इधर इधर 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। और फिर क्या होगा, तो ये जो होता है टू सेल स्टेज, 60% एंजियोस्पर्म होता है, और बाकी क्या होगा, थ्री सेल्ड स्टेज। तो थ्री सेल्ड स्टेज
में क्या होंगे, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा टू जेनरेटिव सेल, वन वेजिटेटिव सेल एंड टू जेनरेटिव सेल। तो टू जेनरेटिव सेल में अगर चलेंगे हम लोग तो ये भी जो होंगे ये सब एन एन होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ये दोनों सेल अलग अलग हैं इसीलिए। अब आइए, और पॉलन ग्रेन में दो लेयर हैं, क्या क्या है, एक होता है एग्जाइन और दूसरा पार्ट इंटाइन। दो सेल वॉल हैं उसके ऊपर, तो एग्जाइन और इंटाइन। इस तरह से कंप्लीट जो है तो जेनरेटिव सेल जो दो बना है तो ये कब बनेगा, तो यहां पर माइटोटिक डिवीजन करेगा, पॉलन ग्रेन यहां पर माइटोसिस कर लेगा, तो ये होता है सेकेंड माइटोसिस। और यहां पर ये जब सिंगल माइटोसिस होता है तब ये फर्स्ट, यानी जब एक बार माइटोसिस करेगा तो दो सेल, और अगर दो बार माइटोसिस किया तो तीन सेल स्टेज। तो दो बार माइटोसिस का मतलब सिर्फ जेनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, वेजिटेटिव सेल में नहीं। अब समझ में आ रही है बात, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर का सारा चीज, यानी पॉलन ग्रेन से लेकर के जितनी भी बातें थी वो सारा यहाँ पर मैंने आपको एक जगह कर दिया। और ये जरूर से एक बार एक जगह आपको बनाना है अपने नोटबुक पे लिख करके, तो जितनी भी भूली हुई बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको याद आ जाएंगी। ओके, अब चलिए, अब आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं आपके नोटबुक, ये जो पीडीएफ भेजा है मैंने उसमें भी, साथ ही साथ आपको जो ये बातें हैं उसमें भी, तो आपको जो थोड़ा सा है वो देखना है, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। नहीं तो क्या होंगे, आप बस लेसन करते चले जाओगे, प्लानिंग आपकी इसी तरह रह जाएगी। ओके, तो आपको ये करना पड़ेगा। कुछ एमसीक्यू को जैसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं थोड़ा उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर। तो क्या कह सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी जो जगह होगा वो कहाँ होगा। चार ऑप्शन दिया है, लीव्स, स्टेम, रूट एंड फ्लावर्स। ऑब्वियस ही बात है क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपको स्टामेंस इज रिगार्डेड एज, तो स्टामेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टामेंस जो होगा वह माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। तो स्टामेंस को हम बार बार लिख दिया रहे माइक्रोस्पोरोफिल, और बार बार बोला भी था कि इसका दूसरा नाम भी एमसीक्यू में डाल सकता है, ठीक है। अब बाईस्पोरेंजिएट स्टामेंस आर सीन इन, तो बाईस्पोरेंजिएट स्टामेंस कहाँ देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं, बाईस्पोरेंजिएट स्टामेंस सीन इन। ओके, ऑप्शन वन लीली, ऑप्शन टू धतूरा, ऑप्शन थ्री
हिबिस्कस, और ऑप्शन फोर बीन। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें देखने को मिले हैं। अब इनमें से इसका आंसर आप बता सकते हैं कौन सा है। लिली कैसा प्लांट है? तो मोनो एस्पोरेंजिएट, बाई एस्पोरेंजिएट और टेट्रा एस्पोरेंजिएट। तो इसमें जब आएंगे तो हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाई एस्पोरेंजिएट हमें देखने को मिलता है। फिर आइए, फिब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथेसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। आपको मैंने यानी यहाँ पर ये 8 हो गया, फिब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथेसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन सेकंड में ए सेलुलोज नंबर 3 पेक्टिन नंबर 4 लिग्निन। फिब्रस बैंड प्रेजेंट इंडोथेसियम। इंडोथेसियम कहाँ होता है भाई? तो जो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल है उसका जो सेकंड लेयर है डैट इज द वो क्या है, एंडोथेसियम है। और उस एंडोथेसियम का जो वॉल है वो किसका बना होता है? हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग दिया है, ए सेलुलोज नहीं होता है, इसके जगह पर अल्फा सेलुलोज होता है। तो इसका आंसर अल्फा सेलुलोज। तो सेलुलोज मेन रूप से उस लेयर का पार्ट है और ये जो बैंड बनते हैं, एक लेयर जो बैंड बना है वो फिब्रस बैंड। करने का मतलब कि फिब्रस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन में भी फिब्रस प्रोटीन होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर जो बैंड बना है वो फिब्रस बैंड के रूप में ये स्ट्रक्चर बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया है फिब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथेसियम। ओके, एक क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 16, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर्स आर। आइए, क्वेश्चन आ गया एक अच्छा सा। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर्स आर, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर्स आर वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट partially developed male gametophyte developed esporophyte and well developed esporophyte। चार ऑप्शन है यहां पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कह सकते हैं सर क्वेश्चन कैसे अच्छा है। क्वेश्चन बेटा ऐसे अच्छा है कि इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर्स आर, तो वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट एंड पार्शियली डेवलप्ड स्पोरोफाइट और वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट, क्या है ये?
स्पोरोफाइट अगर पहले आपको याद होगा तो अगर एनजीओ एस्पर्म का लाइफ साइकिल अगर देखेंगे, ठीक है, ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। अगर आप एनजीओ एस्पर्म का लाइफ साइकिल देखेंगे तो मैंने आपको वहाँ बताया है कि जो मेन प्लांट बॉडी है, द मेन प्लांट बॉडी इज एस्पोरोफाइट, और इस एस्पोरोफाइट में क्या बनता है, तो इस एस्पोरोफाइट में होते हैं बेटा मेगा एस्पोरोफिल और दूसरा है माइक्रो एस्पोरोफिल। अब इसी माइक्रो एस्पोरोफिल में बनता है माइक्रो एस्पोरेंजियम, माइक्रो एस्पोरेंजियम में बनता है माइक्रो एस्पोरेंजिया, और माइक्रो एस्पोरेंजिया का मतलब पॉलन ग्रेन, और इसी माइक्रो एस्पोरेंजिया में बनता है वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल, और जो जेनरेटिव सेल है दिस इज द मेन मेल गैमेटोफाइट। तो अब आप इसका आंसर तो आसानी से दे सकते हो ना, ये आंसर इसकी बताने की जरूरत है मुझे, तो ये बात थोड़ा आपको ध्यान में रख के चलना होगा। एंजियोस्पोर माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस बाय, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस बाय, ये क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के दौरान ये जो डिस्कशन है, जो पीछे के रिलेशन का भी कुछ रिवीजन होता है, वो इम्पोर्टेंट है। अब मान लिया आपको पढ़ाते पढ़ाते सेलुलोज आया, सेलुलोज में आपको याद है कितने ब्रांच चेन थे, अल्फा 1,4 अल्फा या बीटा 1,4 बीटा 1,6, ये सब चेन याद है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, सेलुलोज में कितने सब यूनिट होते हैं ग्लूकोज के, ये सब याद है, निकालो फॉलो बायोमोलिक्यूल, देखो थोड़ा सा उसको भी। तो टेंडेंसी लाइए रिवीजन की, कैसे जो भूल रहे हैं उसको रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, यही तो सबसे मेन फंडा है रिजल्ट के लिए काम करने का। सिर्फ चीजें जो सामने हैं एक बार रीडिंग दिया और उसको देख करके फिर आगे बढ़ा तो आपका काम वहां से नहीं होना है, वो क्या है आपको, वो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही देना है, बाकी और कुछ नहीं देगा। समझ में आई बात, चलिए अब इसके आगे की चीजों को आप आगे बनाएंगे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर होगा, स्पोरेंजिया लिख दिया हूँ, तो ये माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन और उसके अंदर वेजिटेटिव जनरेटिव सेल। तो चलिए नेक्स्ट, अब इसके आगे के जो बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है। तो उसको देखने के पहले पूरा देखना पड़ेगा हमें, जैसे इसको देखने के पहले यानी कि फाइनल जो मेल गैमेट बना तो वहाँ तक का पूरा स्टेज कैसे कैसे, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे पहले कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है, यानी गाइनोसियम, एक गाइनोसियम में बहुत सारे क्या कार्पेल और पिस्टिल हो सकते हैं, तो पिस्टिल या कार्पेल, और एक कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, और तब ओवेरी के अंदर आएंगे ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल। तो ये पूरा पार्ट जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इन सब चीज़ों को, इसके एमसीक्यू आपके एकदम कंप्लीट जहाँ तक है, आई थिंक टोटल एमसीक्यू आपको इसमें यहाँ तक जहाँ तक कराया मैंने वहाँ तक में आपको 18 एमसीक्यू कंप्लीट होने चाहिए, और 18 एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद में जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे देन आफ्टर उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने के बाद में ओके चलिए ओके थैंक यू।